गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन प्रीवियस वीडियो आई टॉक यू पास इंडिपेंडेंस वाइज वाइज टुडे आई विल टीच यू पास कंटीन्यूअस टेंस सो सी एट द ग्रीन बोर्ड केयरफुली सो स्टूडेंट योर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस नेक्स्ट एक्चुअली सब्जेक्ट प्लस वाज ओवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ओके उसके बाद देखते हैं हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सेम है वाज वर्ब और इसमें भी है बस सिर्फ क्या है सिर्फ बीइंग लगा दिया गया उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है और वन थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर इट सिंगुलर नंबर के साथ यानी ही आई बी आई ही सी के साथ हम क्या करते हैं वाज का प्रयोग करते हैं उसके बाद यू बी दे प्लस नेम के साथ हम क्या करते हैं वर्ब का प्रयोग करते हैं सो नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल आई वाज आगे तो पहले लिखेंगे हम देखिए क्या रहेगा दिस पैसिव वॉइस है आपका एक्टिव वॉइस था और पैसिव वॉइस है दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट है यहां सब्जेक्ट हो जाएगा दिस बुक वाज बीइंग क्या है निकल रहा है गाइस स्पेलिंग से पहले लेकिन प्रोनाउंस क्या करेंगे रेड करेंगे रेड बाय आई काम नहीं होता जानते हैं Student, this is negative sentence. And you have to see the structure of negative sentence carefully. Active voice structure, subject plus was, were plus not plus main verb plus form plus ing plus object. Student, firstly you will see active voice structure. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या लिया लगाया है नॉट लगाया है वी हैव एडेड नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ओके एंड नाउ यू सी पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वाज ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या होता है ऑब्जेक्ट हो जाता है इतना आपको ध्यान रखना होगा ऑब्जेक्ट द एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट बिकम पैसिव वॉइस सब्जेक्ट ओके और पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बिकम Active voice object. You have to know it very well. Subject plus was or were plus not. अब क्या यहाँ पर आ गया? Being आ गया. ठीक है?
उसके बाद क्या है, मेजर की फोर्थ फॉर्म में है प्लस बाई है प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए जैसे क्या है, सी वाज नॉट यूजिंग मी, सी वाज नॉट यूजिंग मी, यूजिंग मतलब होता है गाली देना होता है। अब देखिए ये मी जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रूप में है। अब इस मी को हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिखने के बाद मी का आई जाएगा, मी बिकम्स आई, क्योंकि वी आर राइटिंग एज ए सब्जेक्ट फॉर्म, एज ए सब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट फॉर्म में लिखने तो हम क्या लगा, मी का आई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आई वाज, सिंगल नंबर आई है इसलिए वाज लगाया गया है, आई वाज नॉट बीइंग यूज्ड हो जाएगा, interrogative and interrogative negative sentencing passive voice. Okay, thank you for watching.